आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटेड की लालटेन के 429वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सर्किट हाउस में हम आज यहाँ हैं। पिछला वर्ग आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन यहाँ पर आज आए हुए हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। चर्चा दो भागों में हम आपको, दो एपिसोड में हम चर्चा दिखाएंगे। काफी लंबी उनसे बातचीत हुई है, इस बातचीत को हम अंदर चलते हैं और आपको अब दिखाते हैं। मधुमक्खी दिवस पर आयोजित होने वाला हमारा एग्रीकल्चर का प्रदर्शनी, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रदर्शनी बालाघाट में एग्रीकल्चर कॉलेज मिला है, उसका भवन बन के तैयार हुआ है। उस भवन का और सभागार का लोकार्पण है। राष्ट्रीय बैलजोड़ी दौड़ प्रतियोगिता, जिसको गांव में हम लोग पट कहते हैं, समारोह है। बालाघाट जिला पालतू मछली में, फ्रेश वाटर में इंडिया में फर्स्ट आया है। तो उसमें भी जो झींगा प्रजाति प्रॉन, उसको डेवलप करने के ऊपर भी हमारी कार्यशाला है। दुग्ध उत्पादन, कड़कनाथ मुर्गा उत्पादन, जिसका रिसेल वैल्यू ज्यादा है, काजू खेती को बढ़ावा, सहित कृषि को वे आय मिले जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके, को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला है। उसमें नरेंद्र सिंह जी तोमर, जो भारत सरकार के कृषि माननीय मंत्री, कृषि मंत्री, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी जल शक्ति एवं बाल नेत्र मंत्री उत्तर प्रदेश के, वो हमारे प्रमुख अतिथि हैं। सुधीर मुनगटीवार, माननीय विधायक महाराष्ट्र और मंत्री पर्यावरण सहित ब्रजमोहन अग्रवाल, पूर्व कृषि मंत्री, कुछ सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। कृषि के माध्यम से हम कम लागत में कैसे उपज उगाएं, कम से कम फर्टिलाइजर का उपयोग करें, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग बिल्कुल ना हो, सब रासायनिक खाद की पर जो हम आश्रित होते जा रहे हैं, उसको आश्रित, उसके ऊपर आश्रित होने की जो व्यवस्था समाप्त हो, लागत घटे, फर्टिलाइजर का आवश्यकता घटे, इन मुद्दों के ऊपर हमारी कार्यशाला है। तो ये कार्यशाला सिर्फ बालाघाट जिले के लिए है, पूरे प्रदेश के लिए एक रोल मॉडल हो? ये रोल मॉडल है पूरे प्रदेश के लिए, राज्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। और चूंकि कार्यक्रम तो किसी एक स्थान पे होगा, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, भारत सरकार राज्य सरकार के सौजन्य से हो रहा है। उसमें कुछ ग्रांट भारत सरकार दे रही, जो मधुमक्खी का जो उनका वो है सेक्टर, और हमारा एग्रीकल्चर महकमा मंडी बोर्ड। जो अभी आपने बताया, जितनी चीजें बताई कृषि और मत्स्य पालन को लेकर, कमोबेश सारी चीजें सिवनी जिले में भी, झींगा उत्पादन भी सिवनी जिले में है, और जेवनारा में एक बहुत बड़ा मत्स्य, वहां पे जेवनारा में नर्सरी है जी, बीज बनाने का, जिसको कहते हैं बीज बनाने का केंद्र, ब्रीडर जो होता है, ब्रीडिंग होता है, वो बड़े हमारे तक भी जाता है। हमारे भी इस तरह के प्लांट हैं, सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, लेकिन बालाघाट में होता है तो सिवनी में होता है, ऐसा नहीं है तो पूरे देश में होता है, ज्यादा पानी। अब वो हमने झींगे को प्रोजेक्ट को ज्यादा किया है, हॉर्टिकल्चर को ज्यादा मोह दिया है। हम 600 हेक्टेयर में आने वाले समय में काजू की खेती के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ जैसा क्लाइमेट है। क्योंकि सिवनी के आप प्रभारी मंत्री रहे हैं और सिवनी के लिए बहुत सारी योजनाएं भी आपके द्वारा उस समय बनाई गई, पर उस सब के बाद भी कहीं ना कहीं सिवनी के लोगों के मन में कसक होती कि हम पिछड़े हुए। नहीं, ऐसा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं है,
धान उत्पादक जिला है और पहले तो मोटे तौर पर बरघाट में धान होती थी, कुछ सिवनी में होती थी, अब तो केवल आलमी में होगी। किसान एक क्रॉप पीछे नहीं रहते थे, कोई अवसर में दूसरे क्रॉप में भी जाता है। सपोर्ट प्राइस पे 240 रुपये में धान की खरीद सरकार कर रही है, तो लोग कहते कि धान क्यों के नहीं थोड़े यहाँ ज़्यादा पैसे मिलने को मिल, और किसानों को भगवान भरोसे छोड़ गए। 2 लाख रुपये का ब्याज जो तो रुका था वो भी माफ़ करने का परसों ही कैबिनेट में फैसला हुआ है, जिसके लिए आने वाले 14 तारीख से किसानों के फॉर्म भरे जाएंगे और 2 लाख तक का ब्याज माफ किया जाएगा। सर एक बात बताइए, कुछ 2 दशक पूर्व बालाघाट जिले के ग्राम तुमारी आपके द्वारा झींगा उत्पादन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। दूंगा झींगा उत्पादन तुमारी में मैंने नहीं किया था, मेरे परिवार के खिलन पर विषय जी उन्होंने झींगे का प्रोजेक्ट लाया। देखो उस समय में झींगे में कैसी बीमारी हुई जो असाध्य रही, पूरी क्राप उनके तो खत्म हो गई, तो उन्होंने उसको रोक करके वहाँ पे गन्ने की खेती कर दी। अभी वहाँ पर वर्तमान में मैं रिसेंटली 10 दिन पहले लौटा हूँ, वहाँ गन्ना उत्पादन भी बंद हो गया कुछ जगहों पर। नहीं नहीं, 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 नहीं का हमारे जिले के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक किसान और इस समय उन्होंने चूंकि जो खाली खेत खाली रहता मूंग गया बड़े पे मतलब 10 एकड़ से पूरे मूंग गया, मूंग की क्वालिटी भी अच्छी। अचानक ऐसा क्या हुआ था कि पूरे झिंगे एक साथ? नहीं नहीं, एक कभी कभी संक्रमण रोग आते हैं, जैसे सर गाय और बैलों को आए तो संक्रमण रोग में नुकसान हुआ, जैसे लंपी वायरस आया होगा उस तरह से, तो इसको होता है। लेकिन कोई झींगा पाला बंद करता ऐसा नहीं, चेंज करते रहते। कुछ समय पहले थोड़ा सा विषय से हटके, कुछ समय पहले आपने एक आरोप लगाया था टैंकर्स को लेकर बालाघाट के सांसद के ऊपर, टैंकर्स और उनके द्वारा जो वो बनाया। मैंने बालाघाट के सांसद पर आरोप नहीं लगाया जी, मेरा ये कहना है कि सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि जी कार्यकर्ता ने हमें विधायक सांसद बनाया, उसकी मेहनत के कारण हम चुनाव में जीते, वो पैसा उसके माध्यम से खर्च हो। जब हम विधायक सांसद रूप में गांव में जनसंपर्क में अन्य काम में दौरे में जाते हैं तो हमारे लिए वो फटाके फोड़ता है, हमारे लिए फूलमाला जाता है, हमारे लिए मंच सजाता है, हमारे लिए उत्साहित रहता है, प्रतीक्षा करता है। तो यदि कोई निर्माण कार्य उसके माध्यम से होगा तो किसी भी काम में कॉन्ट्रेक्टर को बचता है, 4 पैसे हमारे जनप्रतिनिधि को बच जाए। मैंने अपने जीवन में मुझे भी इस साल 2.5 करोड़ रुपये मिला, पिछले साल मुझे भी 2 करोड़ मिला था। 33 साल से मैं विधायक हूँ, 6 साल सांसद रहा, कि मैंने कभी भी टैंकर को या तो प्रतीक्षालय को जो बड़े लाइट होते हैं जिनको हम लोग जो हेलोजन लाइट के बड़े वाले जो लाइट कहते हैं इनका पैसा नहीं दिया। अब नहीं दिया उसका कारण है कि मैं चाहता हूँ कि काम मजबूती का और मेरे कार्यकर्ता के माध्यम से, क्योंकि यहाँ सिवनी में जब नगर पालिका को जो टैंकर दिए गए तो लोकार्पण के समय ही पूरे फूटे हुए निकले थे। अब आप ही इस बात को कह रहे हैं तो मैंने कौन सा गलत किया, मैं तो दिया ही नहीं। सर उस पूरे मामले में चूंकि आपने जब आरोप लगाया था तो ढाल सिंह हुसैन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था काउंटर आपका जवाब देने के लिए, तो उनसे कहा गया था कि जब वरिष्ठ आपके नेता ने आपके ऊपर ये कहा है कि जो आज का टैंकर वितरित हो रहे हैं ये यात्री प्रतीक्षालय वितरित हो रहे थे गुणवत्ता विहीन हो रहे हैं, तो इसे अगर एक मौका मारे तो फूट जाएंगे, लेकिन उन्होंने उस समय बोला था कि हम इसके लिए पत्र लिखेंगे और आज तक वो पत्र नहीं लिख पाए, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उन्हीं से पूछो कर, अभी आपने ही कहा ना कि नगर पालिका परिषद में ऐसे ऐसे टैंकर का ऐसे साल हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक बार एक राज्यसभा सदस्य ने यात्री प्रतीक्षालय दिया, सिवनी छिंदवाड़ा बालाघाट में लगी कोई बैठक है तो धन जनता का है, धन राज्य के खजाने के टैक्स का है, उसका उपयोग बनते तक जन प्रतिनिधि की निगरानी में हो, किसी विशेष कंपनी की निगरानी में ना हो।
ये ध्यान रखना विश्वसनीयता की प्रमाणिकता देता है। उनका कहना था कि जैम पोर्टल के जरिए उन्होंने क्रय किया, वो क्या कहते हैं मेरा क्या मतलब, उन्होंने कहाँ का खरीदा क्या खरीदा मेरे को से भेज दे रहे। मैं तो मोटी बात कहना चाहता हूँ कि अपना तय करो ना, मैं कार्यकर्ता के माध्यम से काम करूँगा या खुद ही मैं कंपनी के माध्यम से करूँगा, अपना सोचो। उनको अच्छा लगता है वो करते हैं, मुझे अच्छा वैसा लगता है तो मैं कार्यकर्ता के माध्यम से करता हूँ। लेकिन मेरे कार्यकर्ता ने भी इस तरह का कोई आते प्रतीक्षा ले और टेंगर के लिए कभी आग्रह नहीं किया। अभी जो सांसद है ढाल सिंह हुसैन जी, आगामी 2024 का जब चुनाव होगा तो फिर से अगर टिकट मांगेंगे तो आप उनका समर्थन करेंगे? उनका काम उनका समर्थन करेगा, उन्होंने जैसा काम किया होगा उस आधार पर समर्थन के बारे में विचार होगा। सर उनका ये कहना पड़ा कि पिछले बार भी कि इस तरीके से जो आरोप लगा रहे हैं उसलिए आरोप लगा रहे हैं कि आप अपनी पुत्री को नाम आगे बढ़ा रहे हैं और उनके लिए मेरी पुत्री विधानसभा का चुनाव लड़ेगी थी, पार्टी उम्मीदवार बनाएगी थी। मेरे पुत्र को दो बार लोकसभा का टिकट दिया गया था, लास्ट में मैं मिनिस्टर और मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है, इसलिए हम विड्रॉ हुए। आपकी बार ना वो जिला पंचायत अध्यक्ष ना मैं मंत्री हूँ, पार्टी यदि उनको टिकट देगी पार्टी की महामंत्री हूँ तो चुनाव लड़ेगी, वरना जिसको टिकट देगी उसको जिताएंगे। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एमपी का नाम आप महात्मा खड़े जी को नहीं लड़ा। अभी तो सामने विधानसभा है ना जी, लोकसभा की बातें क्यों कर रहे हैं जी। विधानसभा का दृश्य साफ हो जाने दीजिए, किसकी सरकार बनती है, कितने जीत के आते हैं, अभी अपन उसकी बात क्यों करें जो 9 महीने बाद होने वाला है। एक साल बाद अभी तो विधानसभा की बात करो। विधानसभा में साफ है मैं 111 बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मौसम को टिकट मिलेगी तो नहीं लड़ूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं लड़ूंगा। बालाघाट के अलावा कोई और विधानसभा जरूर जहाँ से पार्टी लड़ने कही गई, जहाँ से पार्टी लड़ने बोले जो काम करने का ही करेंगे। बालाघाट में मैं 14 बार वोट मांग चुका हूँ, तो 14 साल तो भगवान राम के लिए ज्यादा हो गए थे। वाराणसी में जो है जो तो पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी में आए, लेकिन उनका ही कहना पड़ता है कि गौरी शंकर मिशन जी के कारण मुझे बीजेपी आसानी से स्वीकार नहीं कर रही। तो गौरी शंकर मिशन के कारण नहीं, मुझे जानकारी यह है कि वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको स्वीकार नहीं कर रहे। मैं नहीं, मेरे से उनके न कोई जाति दुश्मनी है न कांस्टिट्यूंसी का कोई टकराव है। तो जहां से उनको जीत के आना है वहां के कार्यकर्ता एक मते 224 के 237 मतदान केंद्र के 100% कार्यकर्ता, उन्हें बीजेपी का प्रत्याशी न बनाया जाए प्रस्ताव को नेतृत्व पहुंचा चुके हैं। तो ये थे गौरी शंकर बिसेन, पिछला वर्ग आयोग के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, इनसे हमने चर्चा की। अगले एपिसोड में फिर एक बार हम आपको दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है। दो पार्ट में हम ये ऐसे एपिसोड को दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 429वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 430वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे, फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।